जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर फिफ्थ संभावनाओं प्रायिकता की सांख्यिकी तथा दैनिक जीवन में संबंध चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 4 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? 5वां होगा। दोस्तों लेक्चर 4 तक टोटल मैंने 32 प्रश्न कराए हैं। यानी दोस्तों आज क्लास में प्रश्न संख्या कहाँ से स्टार्टिंग होगी? 33 से, ठीक है। आज की क्लास दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की क्लास में आप सभी मित्रों को पासा, जो लूडो का पासा होता, उससे संबंधित प्रश्न आपको सीखने को मिलेंगे। कैसे उसकी प्रायिकता निकली, किस टाइप के प्रश्न एक पासे को उछालें तो किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उस पर दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से दोस्तों देखिएगा, ठीक है। सीधे मैं प्रश्न की बात करता हूँ, फिर देखिएगा। जैसे आपसे पूछता है कि एक पासे को छानने पर कुल कितनी घटनाएं संभव होंगी, एक पासे को छानने पर कुल कितनी घटनाएं संभव होंगी। कह रहा है एक पासे को छानने पर कुल कितनी घटनाएं संभव होंगी। तो ध्यान समझिए, जब हम लूडो के पासे को छान लें, आप सभी लोगों ने लूडो का पासा देखा होगा, ऐसा कोई नहीं जिसने लूडो का पासा नहीं देखा हो। तो जब हम लूडो के पासे को छालते हैं, हम पासे की बात करें तो लूडो के पासे की बात चल रही, ठीक है। मैं जब भी खाली पासा कहूँ, लूडो का नहीं कहूँ, तो खाली पासे का मतलब भी लूडो की बात कर रहा हूँ, लूडो के पासे की बात कर रहा हूँ। तो जब हम एक पासे को उछालते हैं तो आपको पता है लूडो में के पासे में टोटल 6 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 6। एक साइड में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। इस तरीके से क्या दोस्तों आपके पास लूडो के पासे पर 6 अंक लिखे होते हैं। तो जब दोस्तों आप लूडो के पासे को उछालोगे तो नीचे गिरेगा, तो दोस्तों जब नीचे गिरेगा तो क्या क्या आ सकता है, कुल कितनी घटनाएं संभव हो सकती हैं। तो आपको पता है जब लूडो के पासे को उछालोगे तो दोस्तों क्या टोटल कितनी घटनाएं संभव हो सकती है, टोटल 6 घटनाएं संभव हो सकती है। कैसे? या तो दोस्तों जब उछाले या तो 1 आएगा, या दोस्तों 2 गिरेगा 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। जब लूडो के पासे को आप उछालेंगे तो इन 6 अंकों में से कोई ना कोई अंक जरूर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, है कि नहीं? यानी कि लूडो के पासे को उछालने पर कुल कितनी घटनाएं संभव हैं? तो पासे को उछालने पर कुल 6 घटनाएं संभव। जब एक पासे को उछालेंगे तो कुल कितनी घटनाएं संभव होंगी? तो 6 घटनाएं संभव होंगी। या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। दोस्तों लिख लीजिएगा इसका उत्तर क्या। एक पासा या पासे को उछालने पर कुल 6 घटनाएं संभव हैं। कुल 6 घटनाएं संभव हैं। ध्यान समझिएगा, कौन कौन से रिजल्ट दोस्तों आपको मिल सकता है? या तो दोस्तों आपको 1 देखने को मिलेगा, या तो दोस्तों आपके पास 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। इन 6 में से कोई ना कोई एक दोस्तों अंक जरूर आएगा। तो क्लियर है क्या? एक पासे को उछालने पर कुल कितनी घटनाएं संभव होंगी? तो एक पासे को उछालने पर कुल 6 घटनाएं संभव होंगी। 1 से लगाकर 6 तक कोई भी अंक आ सकता है। अब ध्यान समझिएगा प्रश्न कैसे बनते हैं, तो बहुत ध्यान समझिएगा, रब करूं इसको। चलिए बहुत ध्यान से 33 नंबर कर लिया ना, 34 नंबर देखिएगा, 34 आपसे कह रहा है कि एक पासा फेंकने पर
फेंकने पर, एक पासा फेंकने पर सम अंक अंक आने की प्रायिकता ज्ञात की, सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात की, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, एक पासा फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात की। आपको पता है जब लूडो का पासा फेंकेंगे तो या तो दोस्तों आपका एक आएगा या दो आएगा या तीन आएगा या चार आएगा या पांच आएगा या क्या आएगा, पांच आएगा या पर छह आएगा, इसके अलावा कोई अंक नहीं आएगा क्योंकि लूडो के पासे पर टोटल छह ही अंक होते हैं। तो कुल घटनाएं समष्टि प्रदस जो अभी मैंने लिखाया था, कुल कितनी घटनाएं संभव होती वही समष्टि प्रदस कहलाता, टोटल छह घटनाएं संभव होती। ठीक है, आपसे कहा क्या है, एक पासा फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात की। सम अंक देखिए, सम अंक क्या होते हैं, सम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो दो के पहाड़े से डिवाइड हो जाती है, दो से डिवाइड हो जाती है। देखिए दो भी दो से डिवाइड होगा, डिवाइड होने का मतलब क्या होता है, उससे भाग किया जाए तो जो हमारा शेषफल वो जीरो है। तो देखिए ये सम अंक है, दो सम है, चार सम है और छह सम, यानी कि कितनी घटनाएं संभव हो सकती हैं, तीन। मतलब जब सम अंक आने की प्रायिकता कहेगा कि नहीं, घटित घटनाएं, और घटित घटनाओं को दोस्तों क्या कहते हैं, अनुकूल घटनाएं कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुकूल घटनाएं कहते हैं, फेवरेबल इवेंट्स। तो दोस्तों क्या दिया है, ध्यान समझिएगा, दिया है, देखिए कितना सिंपल है, दिया है अनुकूल, मैं कह रहा हूं अनुकूल घटनाओं को ही घटित घटनाएं कहते हैं, अनुकूल घटनाएं। तो चाहे आप घटित घटनाएं लिखिए या अनुकूल घटनाएं, कैसे लिखते हैं आपको सभी को पता होगा, एन ई से, नंबर ऑफ इवेंट, घटना को इवेंट कहते हैं। कितना हो जाएगा, एक दो तीन, तीन हो गया। अच्छा, समष्टि समष्टि प्रतिदर्श प्रतिदर्श, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एनएस, समष्टि प्रतिदर्श कितना, एनएस, एनएस दोस्तों कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो समष्टि प्रतिदर्श दोस्तों एनएस बड़ा कितना हो गया, कि टोटल कितनी घटना, छह संभव होंगी, ये तो आपको अभी मैंने बताया। आपसे पूछा गया प्रायिकता, तो प्रायिकता प्रायिकता पीई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और दोस्तों मैंने आपको प्रायिकता का फार्मूला बताया कि नहीं बताया, आप जानते क्या प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर अनुकूल घटनाएं बटे क्या, समष्टि प्रतिदर्श बटे क्या, देखो कि समष्टि प्रति दर्श। ठीक भैया, अब देखिए प्रायिकता को हम पी से लिखते हैं, पी ई, और अनुकूल घटना को कैसे लिखते हैं, एनी से आपने लिखा, एनी और अपान एनएस, एनएस पी इक्वल टू एनी अपान एनएस हो गया। वैल्यू पुट कर लीजिए, एनी की वैल्यू दोस्तों कितनी है आपकी, तीन, तो तीन होगा, और एनएस की वैल्यू कितनी दोस्तों, छः, और पी तो आपको फाइंड ही करना, यानी दोस्तों तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, यानी दोस्तों क्या आता, प्रायिकता प्रायिकता बराबर कितनी हो जाएगी, प्रायिकता पी बराबर एक बटे दो, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो कुछ कठिन नहीं, प्रायिकता से संबंधित प्रश्न दोस्तों लगाना बहुत आसान है, क्योंकि आपको पता है इसका आंसर भी एक से कम ही आता है। एक पासा फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता कितनी, एक बटे दो, तो यदि आप इतना लिखते तब भी नंबर मिलेंगे, या थोड़ा और लिखना चाहते लिख सकते हैं, अतः एक पासा फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता इक्वल टू एक बटे दो, इस तरीके से भी दोस्तों लिख सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, तो एक पासे से जितने टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं सभी टाइप के प्रश्न भी कराऊंगा, तो बहुत ध्यान से इसको नोट करिए, फिर आगे में चर्चा करते हैं। नोट करते रहिए दोस्तों फटाफट, नोट करिए फटाफट, फिर आगे चर्चा करते हैं। अगला कह रहा है 34 के बाद 35 नंबर, 35 कह रहा, एक पासा फेंकने पर विषम अंक,
विषम अंक आने की प्रायिकता क्या थी। जैसे इसको किया वैसे करिएगा, इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए 35 के बाद 36 नंबर, कह रहा एक पासा फेंकने पर भाज अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। भाज अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए या भाज संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासा फेंकने पर भाज अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए या अंक की जगह पर दोस्तों आपको लिखा मिल सकता है भाज संख्याएं आने की प्रायिकता। ठीक, अंक लिखे या संख्या लिखे बात एक ही, अंक ही आएगा, संख्या क्या, 1, 2, 3, 4, 5 अंक ही तो हैं। आने की दोस्तों में क्या चाहिए, प्रायिकता ज्ञात करना है। तो ध्यान समझिएगा, एक पासे को फेंकने पर भाज संख्याएं, दोस्तों आपको देखिए इसमें संख्याएं भी पता होनी चाहिए। और आपने क्या फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकेंड सेमेस्टर में, यदि आप हमारे साथ शुरुआत से जुड़े हैं और हमारे साथ शुरुआत से सीख रहे हैं, तो मैंने आपको संख्याओं की फैमिली के बारे में, संख्या के परिवार के बारे में, संख्या के प्रकार के बारे में मैंने विधिवत से चर्चा किया, बताया कि संख्या कितने प्रकार की होती हैं, सम संख्याएं क्या, विषम संख्याएं क्या, भाज संख्याएं क्या, अभाज संख्याएं क्या, सारी संख्याओं के बारे में बताया मैंने। तो यहां पूछा है भाज संख्याएं, तो देखिए इसमें समझिए दो प्रश्न एक तरीके से। सबसे पहले आपसे जाना जाता है कि आपको भाज संख्याएं पता हैं कि नहीं पता है। भाज संख्याएं पता होंगी तभी आप प्रायिकता निकाल पाएंगे, क्योंकि आपसे भाज संख्या कह रहा है। दोस्तों आप जानते हैं ऐसी संख्याएं, भाज संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, आप उनके क्या फैक्टर करें तो 2 से अधिक प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, भाज संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो ध्यान समझिएगा, देखिए एक देखिए तो एक ही से कटेगा और एक बस केवल एक ही से कटेगा, तो भाज का कोई सवाल नहीं। दोस्तों देखिए एक से कटेगा और किससे कटेगा, 2 से कटेगा, तो इसके ही 2 ही फैक्टर होंगे। 3 भी यही कहानी, 1 से कटेगा, 3 से कटने का मतलब यदि भाग किया जाएगा उससे तो शेषफल 0 आएगा। पर 4 देखिए या 1 से भी कटेगा डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। 5 भी दोस्तों 1 से कटेगा और किससे बताइए, 5 से ही कटेगा। पर 6 देखिए 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और 6 से डिवाइड होगा। देखिए या मैंने क्या कहा, भाज संख्या की डिफिनेशन क्या होती है, भाज संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो केवल इन 6 अंक में केवल क्या 4 और 6, 2 ऐसी संख्याएं, 2 ऐसे अंक हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड है। यानी दोस्तों क्या भाज संख्या आने की प्रायिकता, भाज संख्याएं कहें या भाज अंक आने की प्रायिकता कह रहा है। तो दोस्तों अनुकूल घटना कितनी हो जाएगी, जहां 3 था वहां कितना हो जाएगा, अब 2 कितना हो जाएगा 2। पर घटित घटनाएं घटित करना कितनी, 2 हो गई, पर समस्त पद 10 तो कभी चेंज नहीं होगा, वो 6 ही रहेगा क्योंकि एक ही पासा की बात कर रहा। तो ये ज्ञात क्या करना है, प्रायिकता इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप जानते हैं प्रायिकता इज इक्वल टू क्या होता, अनुकूल घटनाएं बटे समस्त पद 10, यानी कि P इज इक्वल टू NE / NS। वैल्यू पुट कर दीजिए कितना हो जाएगा, यहां पर ध्यान से देखिए कितना आएगा बताइए भैया। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो P इक्वल टू NE कितना आपका 2 / NS 6, काट लीजिए 2 1 2 और 2 3 यहाँ अच्छी कितना है, 1/3 पहले कितना आया था, 1/2 आया था, 1/3 आएगा। तो अच्छा प्रश्न है, ध्यान से लगाइएगा इसको, कतई हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में बन सकते हैं, खूब इसी में प्रायिकता में खूब घूम घुमा के पूछ सकता है। बस आपको पता होना चाहिए, आपको अनुकूल घटनाएं वेरिएबल इवेंट्स निकालना आना चाहिए और क्या सैंपल स्पेस निकालना आना चाहिए, मतलब घटित घटनाएं और कुल कितनी घटनाएं हैं वो आपको निकालना आना चाहिए। बाकी तो बहुत सिंपल है, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। चलिए अगला देखिएगा, अगला देखिए, अगला दोस्तों आपसे कह रहा है 36 के बाद 37, कह रहा है एक पासा फेंकने पर भाज की जगह अब अभाज कर रहे हैं, एक पासा फेंकने पर अभाज अभाज संख्याएं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासा को फेंकने पर अभाज संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और मैंने अभी बताया है कि अभाज संख्या क्या होती है, जिनके केवल 2, मतलब भाज संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, और अभाज संख्या दोस्तों क्या होती है, जिनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 1 तो संख्या स्वयं और 1 होता है, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अभाज संख्याएं कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। देखिए एक दोस्तों देखिए एक सिर्फ 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, यानी दोस्तों जो 1 होता है ना तो आपकी भाज संख्या है और ना ही अभाज संख्या, 1 से कोई लेना देना नहीं।
दो देखिए एक से डिवाइड हो जाता है, दो किससे कटता है, एक से कट जाता है और दो से कट जाता है, इसके अलावा किसी से कटेगा? तीन भी देखिए एक से कटेगा और किससे कटेगा, तीन से कटेगा। चार को तो अभी दिखाया था, इसके ज्यादा फैक्टर आए थे भाई, किस किससे कट रहा था, एक से कट रहा था, दो से कटा था और चार से कटा था। यहाँ पांच देखिए एक से कटेगा और पांच से कटेगा, छह एक से कटेगा, दो से कटेगा, तीन से कटेगा और छह से कटेगा। कटने का मतलब समझ रही है, कटने का मतलब समझ रहे हो, मतलब डिवाइड करेंगे, मतलब जैसे जो मैंने यहाँ लिखे गुणनखंड, इससे यदि आप इसको भाग करोगे तो भाग करने पर जो हमारा शेषफल हो हमेशा जीरो ही आएगा। आपसे पूछा आभास संख्या, मैंने अभी बताया कि आभास संख्या क्या होती है, जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। तो किसके किसके दो गुणनखंड है, यहाँ देखिए दो के दो गुणनखंड है और तीन के दो गुणनखंड है और पांच के दो गुणनखंड है। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर मिल रहा है जिसके दो गुणनखंड है? नहीं मिल रहा। यानी बस सिंपल क्या अनुकूल घटना कितनी हो जाएंगी यहाँ पर, तीन, और समष्टि प्रत्यय कितना, छह। वही फॉर्मूला प्रायिकता याद करना, प्रायिकता इसका अनुकूल घटना है बटे घटित घटना है कि नहीं, यानी कि एनी अपॉन एनएस यहाँ कितना हो जाएगा, एनी कितना तीन और बटे छह, काट लीजिए तीन एक कम तीन, तीन दूनी छह कितना हो गया एक बटे दो, ये हमारा आंसर आएगा। चलिए नोट करिए, एक बटे दो आ गया हमारा। अगला देखिए 37 के बाद 238 नंबर कह रहा, 38 कह रहा, एक पासा फेंकने पर सम अभाज्य संख्या या अंक, सम अभाज अंक लिख दे या संख्या लिखने बात एक ही, एक पासा फेंकने पर, यहां अंक ही की चर्चा, और एक पासा फेंकने पर सम अभाज अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए या सम अभाज संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ध्यान से पर देखिएगा, आपको पता है कि एक पासा फेंकने की बात कर रहा, तो जब एक पासा का उपयोग, वो भी कह रहा सम और अभाज, मतलब अभाज संख्या तो हो पर कैसी हो, सम हो, अभाज संख्या तो पर सम हो। तो आपको पता है अभाज संख्या इसमें कितना है, अभाज संख्या दो है, तीन है, पांच है, पर सम कौन सी, तीन सम है नहीं, तीन तो विषम है, पांच हमारी सम है नहीं तो विषम है, पर दो हमारी सम संख्या है। यानी कि केवल जो एक पासे को फेंकेगा तो केवल ऐसी पॉसिबिलिटी बनती, केवल एक ही दोस्तों क्या है, दो है, एक केवल एक ही दो है भाई, सम दो संख्या है, दो हमारी कैसी संख्या, सम, वो भी अभाज, अभाज सम अभाज संख्या, यानी कि दोस्तों अनुकूल घटना है कितना, एक, और समष्टि प्रत्यय मतलब छह, यानी कितना हो जाएगा यहां पर, एनी कितना होगा एक और एनएस छह, यानी दोस्तों यहां पर कितना आ जाएगा आपका, ध्यान समझिएगा यहां पर क्या आ जाएगा, प्रायिकता, प्रायिकता पीई, या चाहो तो अता लिख सकते हो, अता प्रायिकता पीई इक्वल टू एक बटे छह, एक बटे छः, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो देखिए खूब घुमा घुमा के इसी में खूब प्रश्न बना सकता है, इसको आपसे ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है, समझ गए कि समझ गए, एक बटे छः, यानी कि जब हम एक पासे को उछालेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि सम अभाज संख्या आ सके, एक बटे छः पॉसिबिलिटी है कि सम अभाज संख्या आ सके, ठीक है। चलिए नोट करिए, अच्छा एक प्रश्न मैं दे रहा हूँ, उसके बाद 38 के बाद 39 नंबर कह रहा, एक पासा फेंकने पर विषम अभाज्य अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए या विषम अभाज संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नोट करिए, चलिए मुझे उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। अगला दोस्तों देखिएगा, उनतालीस के बाद 40 कह रहा है, एक पासा फेंकने पर, एक पासा फेंकने पर, ध्यान समझिए, एक पासा फेंकने पर ना तो सम संख्या या ना तो सम अंक लिख लो या संख्या, चलो अंक संख्या लिख देते हैं, ना तो सम संख्या
और ना ही सम नहीं करिए, ना तो भाज्य संख्या, ना तो भाज्य, एक पासा फेंकने पर ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य, और ना ही अभाज्य, और ना ही अभाज्य संख्या, ना ही अभाज्य संख्या आने की आने की आने की प्रायिकता प्रायिकता ज्ञात कीजिए, आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत बेहतरीन प्रश्न है और बहुत ही आसान है, आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपसे अगर एक पासा फेंकने पर ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या, ना तो मतलब ना ही उस पर कंपोजिट नंबर आए और ना ही अभाज्य संख्या आए, आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब एक पासा को यदि हम फेंके तो ना ही उस पर भाज्य संख्या आए और ना ही उस पर अभाज्य संख्या आए, उसकी क्या पॉसिबिलिटी, उसकी क्या प्रायिकता है, ये हमें ज्ञात करना है, उसकी क्या संभावना में फाइंड करना। क्वेश्चन का मतलब समझ पाए? कह रहा है एक पासा को यदि हम उछालते हैं यानी कि फेंकते हैं तो फेंकने पर ना तो भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर नहीं आए उस पर, और ना ही अभाज्य संख्या, और उस पर उस पासे पर ना ही कोई प्राइम नंबर है ना ही कोई अभाज्य संख्या है, उसकी क्या पॉसिबिलिटी, क्या उसकी प्रायिकता होगी, ये हमें फाइंड करना। ध्यान समझिएगा, आपने अच्छे से भाज्य संख्या की डिफिनेशन समझी और अच्छे से ही अभाज्य संख्या की डिफिनेशन समझी। मैंने बताया भाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, और अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। तो देखिए यहां पर देखिए मैंने अभी शुरुआत में थोड़ा बताया भी था कि एक दो सौ है जो, क्योंकि एक सिर्फ एक से कटता है और ना किसी अंक से कट ही नहीं सकता, एक केवल एक से कटता है, और आपको पता दो से अधिक गुणनखंड होंगे तो भाज्य में जाएगा, केवल दो गुणनखंड होंगे तो अभाज्य में आएगा, पर एक में ना तो दो से अधिक है ना केवल दो है, इसलिए एक मात्र एकलौता, यहां पर एक मात्र एकलौता ऐसा अंक है, ऐसी संख्या है यहां पर जिसका केवल एक ही गुणनखंड है, वो भी स्वयं एक, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा, अनुकूल घटनाएं एक हो जाएगी, समष्टि पदार्थ कितना छह हो जाएंगे, समष्टि पदार्थ तो बदलना ही नहीं है, एक पासा की बात कर रहा है क्योंकि छह घटनाएं संभव होंगी। प्रायिकता इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, प्रायिकता इक्वल टू क्या होता है, अनुकूल घटनाएं बटे समष्टि पदार्थ, यानी कि पी इक्वल टू एनी अपॉन एनएस, तो पी इक्वल टू एनी कितना, एक बटे छह, यानी कि ये तो सेम कुछ करना, हमें तो कुछ नहीं करना पड़ा, आपको करना पड़ेगा, बिल्कुल भैया आपको तो करना पड़ेगा, एक बटे छह इसका भी आंसर आएगा। चलिए नोट करिए, चलिए अगला 40 के बाद 41, नोट करते रहिए और दोस्तों वीडियो को भी शेयर करते रहिए। 41 नंबर 41 कह रहा दोस्तों, कह रहा एक पासा फेंकने पर पांच से छोटी संख्या आने की पांच से छोटी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा भैया, कह रहा एक पासा फेंकने पर पांच से छोटी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा, आपको पता है भैया जब एक पासे को फेंकेंगे तो कुल कितने रिजल्ट मिलेंगे, कुल कितने परिणाम मिलेंगे, तो आपको पता टोटल छह परिणाम मिलेंगे, एक से लगाकर छह तक, इसमें से कोई भी आ सकता है। पर आपसे प्रश्न में जो पूछा उस पर आप बहुत विशेष का ध्यान दीजिए, एक पासा फेंकने पर पांच से छोटी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करना। तो देखिए पासा को फेंकेंगे तो इसके पहले कितना, चार आ जाएगा, पांच से छोटा चार है, फिर तीन है, फिर दो है, फिर एक, एक दो तीन चार, ये क्या पांच से छोटी ही तो है, यानी कि अनुकूल घटना यहां पर कितनी हो जाएंगी, चार, कितनी हो जाएगी, चार,
और समष्टि प्रतिशत कितना 6 ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव होना नहीं है। प्रायिकता P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो क्या हो जाएगा, प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल घटनाएं बटे समष्टि प्रतिशत, यानी कि P इक्वल टू NA / NS, यानी कितना हो जाएगा यहां पर P इक्वल टू PE इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए NA कितना आपका 4 और NS कितना आपका 6, काट पीट लीजिए तो कितना 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, यानी 200 कितना आ जाएगा यहाँ पर, प्रायिकता नीचे लिखेगा अतः प्रायिकता P इक्वल टू 2/3। और थोड़ा लैंग्वेज और बड़ी लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं, अतः एक पासा फेंकने पर 5 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता इक्वल टू 2/3 हो जाएगी। क्लियर है, चलिए नोट करिए फटाफट। अगला कह रहा है एक पासा फेंकने पर 6 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 42 के बाद दोस्तों 43 नंबर, एक और, एक पासा फेंकने पर 3 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका भी उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। खूब प्रश्न बन सकते हैं यहां, प्रायिकता में प्रश्नों की कमी नहीं है। 43 के बाद 44 नंबर, एक पासा फेंकने पर 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात, एक पासा फेंकने पर 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपको पता है जब एक पासे को फेंकेंगे तो कुल कितने परिणाम संभव होंगे, कुल कितने रिजल्ट संभव है, 6। और कह रहा 3 से बड़े अंक कह रहा, तो देखिए 3 तो है ही यहाँ, इसके बाद क्या 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, यानी कि एक पासे को फेंकने पर जो 3 से बड़े अंक टोटल कितने आएंगे, 3 आ सकते हैं, 3 की संभावना, यानी कि अनुकूल घटनाएं दोस्तों कितनी हो जाएंगी आपकी, 3। कितनी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3। कुल घटनाएं 6, प्रायिकता P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल घटनाएं बटे समष्टि प्रतिशत, इतनी बार तो मैंने ही बोल दिया, तो ये तो आपको भूलना ही नहीं चाहिए बुढ़ापे तक, है कि नहीं। तो P इक्वल टू NA / NS हो गया, तो ध्यान से समझिए, तो यहां पर कितना हो जाएगा, NA कितना आपका 3 है और NS कितना आपका 6 है, तो कितना 3 × 3 और 3 × 2 = 6, यानी कि 1/2 आ गया। ठीक है, अतः प्रायिकता P इक्वल टू 1/2 आ गया। चलिए नोट करिए, चौवालीस के बाद 45 नंबर कह रहा, एक पासा फेंकने पर 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जैसे इसको किया है वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नोट करिए फटाफट। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से इसको नोट कर लिया होगा। तो दोस्तों एक पासा उछालने पर जितने टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में बन सकते हैं, मैंने लगभग हर टाइप के प्रश्न कराने का प्रयास किया, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी मित्रों ने बहुत अच्छे से समझा भी, क्योंकि बहुत आसान टॉपिक है, कठिन टॉपिक नहीं। और यदि कहीं भी आपको डाउट लगता है तो वीडियो को रिपीट करके, यानी कि दोबारा से इसको जरूर देखिएगा, आप ध्यान से सभी बातों को सुने होंगे तो कहीं इसमें डाउट होने की संभावना नहीं है, क्योंकि आसान टॉपिक है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि सेम फार्मूला, सब कुछ सेम ही फार्मूला, बिल्कुल हमने तो इसको शुरुआत में लिखा, तब से इसको मिटाला भी नहीं, प्रायिकता इक्वल टू क्या अनुकूल घटनाएं बटे समय स्पर्श दस, इसलिए दोस्तों बहुत आसान है। कल की क्लास को दोस्तों आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि तो कल हम 2 पासे को फेंकेंगे, क्या 2 पासे दोस्तों जो हम एक साथ उछालेंगे एक साथ फेंकेंगे, तो दोस्तों क्या कुल कितने समष्टि प्रतिशत होंगे उसमें बताइए कमेंट करके। 2 पासे को एक साथ यदि उछालेंगे तो कुल समष्टि प्रतिशत कितने होंगे, समष्टि प्रतिशत की संख्या बताइएगा, टोटल परिणाम कितने प्राप्त होंगे बताइएगा जरूर। ठीक है, तो कल की क्लास दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो इसीलिए आप सभी मित्र इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर शेयर करिए, और कल की क्लास के लिए दोस्तों आज ही से आप शेयर करते रहिए इस वीडियो को। जैसे कल हम आप सभी मित्रों के सम्मुख 6 बजे उपस्थित होंगे, आप सभी मित्र क्या वीडियो को तुरंत
देखिए, तुरंत शेयर करिए, उसके बाद तुरंत जुड़िए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी मित्र इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे, और ये कही हुई बात हमारी जितना मैंने समझाया अच्छे समझ में आया, तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। चैनल पर नए तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस करिएगा। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।